किडनी में खराबी के कई कारण होते हैं और इससे भी जरूरी ये बात है कि जिनकी किडनी में खराबी आती है उन्हें शरीर में कई सारे बदलाव नजर आ सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शरीर में कौन सा बड़ा बदलाव आपको किडनी में खराबी के बारे में बताता है? क्योंकि किडनी खराबी को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि किडनी खराबी का समय रहते पता नहीं चलता, पर ऐसा नहीं है। शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो आपकी किडनी में खराबी कर सकते हैं, जिनके बारे में हम आपको आज अपने वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी फेलियर ट्रीटमेंट में, जहां हम आपको किडनी से जुड़ी जरूरी जानकारी देते हैं। यूरिनरी फंक्शन में बदलाव किडनी खराबी का सबसे बड़ा संकेत। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मानव शरीर में किडनी एक अहम भूमिका रखती है, जहां किडनी का काम आपके ब्लड में मौजूद गंदगी को बाहर करने का होता है। जब आप अपनी डाइट में अनावश्यक आहार लेते हैं तो ऐसा आहार आपके ब्लड में टॉक्सिन्स का निर्माण करता है, और जब आपकी किडनी ऐसे रक्त को बार बार फिल्टर करती है तो इससे किडनी के नेफ्रॉन्स डैमेज होने लगते हैं, जिससे आपके शरीर का रक्त सही से साफ नहीं होता और इसके साथ ही आपको यूरिन की मात्रा में भी कमी आ जाती है। अगर बात करें इस बारे में कि किडनी आपके रक्त को साफ करने के अलावा और क्या काम करती है, तो आपको बता दें आपकी किडनी आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखती है और साथ ही आपकी हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के काम में भी किडनी की मदद करती है। अगर किडनी में खराबी के संकेत की बात करें तो आपको बता दें कि किडनी खराबी का बहुत बड़ा संकेत है आपके यूरिनरी फंक्शन में बदलाव होना, और अक्सर इनको अनदेखा कर देना ही आपकी किडनी खराबी का कारण होता है। किडनी में खराबी आने पर सबसे पहले आपको यूरिन से जुड़े बदलाव ही नजर आते हैं, जिसके बाद आपको शरीर में और सारी दिक्कतें महसूस होने लगती हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आपको यूरिन से जुड़ी कौन सी परेशानियां हो सकती हैं, जिसके बाद आपको ये पता चल सकता है कि आपकी किडनी में खराबी आ गई है। यूरिन के रंग में बदलाव आना, यूरिन की मात्रा में कमी आना, यूरिन रिलीज करने में दर्द और जलन होना, यूरिन रुक रुक कर आना, कभी कभी तो पूरा दिन आपको यूरिन रिलीज नहीं होता लेकिन रात के समय आपको बार बार यूरिन जाने का मन होता है, यूरिन में झाग होना, और कई बार तो ऐसा होता है कि आपको यूरिन में प्रोटीन आता है। तो आपको शरीर में अगर ऐसे बदलाव दिखाई देते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको किडनी से जुड़ी परेशानी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे यूरिन का बदलाव आपकी किडनी को खराब कर सकता है, तो चलिए जानते हैं कि यूरिन से जुड़ा बदलाव कैसे आपकी किडनी खराबी का कारण बन सकता है। मानव शरीर में किडनी, जिसका काम आपके शरीर में जमा गंदगी को यूरिन के माध्यम से बाहर करने का होता है, जब आपकी किडनी सही से काम ही नहीं करेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको यूरिन सही से नहीं होगा, और जब आपको यूरिन सही से नहीं होगा तो इससे आपके शरीर में जमा गंदगी अंदर ही रह जाएगी, जो न सिर्फ आपकी किडनी को डैमेज करेगी बल्कि ये आपके शरीर के और अंगों को भी प्रभावित करेगी। अब आपको हम इस बात की जानकारी भी देंगे कि आपकी किडनी खराबी आपके बाकी अंगों को कैसे प्रभावित करती है। किडनी का काम आपके शरीर में रक्त को साफ करना होता है, जिससे आपका हार्ट स्वस्थ रहे, क्योंकि आपका हार्ट आपके रक्त को पंप करता है जिससे आपका रक्त बाकी सभी अंगों में पहुंचता है। लेकिन जब आपका रक्त साफ नहीं होता तो ऐसा रक्त कुछ गाढ़ा हो जाता है, और ऐसा रक्त जब आपके हार्ट तक जाता है तो आपका हार्ट ऐसे रक्त को ठीक से पंप नहीं कर पाता, जिससे न सिर्फ आपको हार्ट अटैक आने की संभावना बनी रहती है बल्कि इससे आपका ब्लड प्रेशर भी अधिक रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपका बढ़ता रक्तचाप किडनी में खराबी करता है। इसके अलावा किडनी में खराबी का एक कारण आपका बढ़ता ब्लड शुगर स्तर भी है। ये भी तब बढ़ता है जब आपका लिवर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है,
और इसके साथ ही आपकी किडनी जब अपना काम ठीक से नहीं करती तो इससे आपका रक्त साफ नहीं होता और आपको यूरिन की सही मात्रा नहीं होती। शुगर युक्त रक्त आपकी किडनी को डैमेज कर देता है, साथ ही आपको त्वचा से जुड़ी दिक्कत भी दे सकता है। जिन्हें डायबिटीज की समस्या होती है उन्हें अक्सर बार बार यूरिनेशन होती है, जिससे उनके शरीर से खराब पदार्थ के साथ साथ अच्छे पदार्थ भी निकल जाते हैं। और जब यूरिन से प्रोटीन की अधिक मात्रा निकलने लगती है तो ये आपको प्रोटीन लॉस की समस्या का शिकार बना देती है, जिससे आपको शरीर में कमजोरी, थकान और कभी कभी तो बेहोश होने की नौबत आ जाती है। इसके अलावा कभी ऐसा हो कि आपको रुक रुक कर यूरिन आने लगे या आपको यूरिन बिल्कुल ही ना हो तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी किडनी में खराबी की वजह से हो सकता है। आपको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको यूरिन से जुड़ी कोई भी परेशानी है तो ये आपको किडनी में खराबी की वजह से होती है। इसलिए आपको अपने शरीर में आने वाले इन बदलावों को समझना होगा, जिससे आप अपनी किडनी खराबी का समय से इलाज ले पाएं। तो अब आप समझ गए होंगे कि यूरिनरी फंक्शन में बदलाव किस प्रकार किडनी में खराबी का एक बड़ा संकेत हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आप सही इलाज लें ताकि आपकी किडनी सहित शरीर के बाकी अंग भी सुरक्षित रहें। अगर आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करने होंगे, जिसमें आपको अपने आहार के बदलावों के साथ साथ अपने जीवन में आयुर्वेद को भी शामिल करना होगा। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं, तो आप आयुर्वेदिक इलाज के लिए कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा का आयुर्वेदिक उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। इसका इलाज जड़ी बूटियों द्वारा किया जाता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। कर्मा आयुर्वेदा के इलाज में ना तो डायलिसिस की जरूरत होती है और ना ही किडनी ट्रांसप्लांट की। तो आप किडनी की समस्या के लिए कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, साथ ही इस महत्वपूर्ण जानकारी को शेयर करना ना भूलें। आप अपने विचार या सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से हजारों किडनी के मरीजों ने इलाज लिया और वो पूरी तरह स्वस्थ होकर अपना जीवन जी रहे हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे स्वस्थ हुए, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है मरीज का? जी एके पांडे। क्या दिक्कत थी जब आप आए थे? सर लीवर का प्रॉब्लम था और बीपी वगैरह की कुछ प्रॉब्लम थी, तो अभी फिलहाल उसमें सुधार बहुत हुआ है। और बाकी जो भी है खाने का जो हम लोगों ने परहेज किया है वो अभी फिलहाल तो सही चल रहा है। क्रिएटिनिन कितना था जब आप आए थे? 4.4 कुछ था सर। अच्छा, उसके बाद कितना हो गया था? सर अभी 3.1 पे आ गया सर। परहेज पूरी कर रहे हैं ना? जी सर परहेज पूरी।